जैसा डॉक्टर एस्टेशन साहब का दिल है, साफ सुथरा दिल है, और 2006 के अंदर जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तो हम लोगों ने, तमाम लोगों ने मिलकर उन्हें मेयर बनाने का काम किया। समाजवादी हुई या मतलब कांग्रेस हुई, उसमें महिलाएं महफूज थी। पूरा गठबंधन इंशाल्लाह का रुचि विराजों को लड़ा रहा है, कहीं पे कोई भेदभाव नहीं है, कहीं पे कोई विरोध नहीं। पब्लिक ने मन बना लिया है समाजवादी का, साइकिल का, और साइकिल जाएगी पार और फूल हो जाएंगे कुचल। ये अगले जी ने कहा है, सब लोग साथ में मिलजुल के चुनाव लड़ाएंगे। कई रिश्ते तो दे चुके हम खून के, लेकिन ए खाके वतन ये कर्ज अदा क्यों नहीं होता। शीशा भी बदलेगा, जाम भी बदलेगा, शीशा भी बदलेगा, जाम भी बदलेगा, अब वो दिन दूर नहीं दोस्तों जो हिंदुस्तान का निजाम बदलेगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कांग्रेस की नेता हैं और किसान यूनियन के भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि जो आने वाली 19 तारीख है, कोई विरोध तो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एसटी हसन का इधर टिकट कटा हुआ है, उसी बारे में हम बात करेंगे। मुमताज साहब हैं जो किसान नेता हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे इस मंच पर, डॉक्टर एसटी हसन नहीं दिखाए गए और आप उनके बेहद करीबी हैं, तो क्या लगता है कि आने वाली 19 तारीख में किस तरह का रेस्पॉन्स जा रहा है? जैसा डॉक्टर एस्टेशन साहब का दिल है, साफ सुथरा दिल है, और 2006 के अंदर जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तो हम लोगों ने, तमाम लोगों ने मिलकर उन्हें मेयर बनाने का काम किया। फिर उनको 2019 में लोकसभा का टिकट मिला और टिकट मिलने के बाद वो हमारे सांसद रहे, तो उनका दिल समाजवादी पार्टी का दिल है, उनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, और मैं यकीन आपको दिलाता हूं कि उनका बूथ भी जीतेगा क्योंकि वो दिल से ही समाजवादी है। सर, आप किसान नेता हैं, किसानों के क्या क्या मुद्दे? देखिए, किसानों के मुद्दे ये है, एमएचपी की बात थी, वो बहाल होनी है, और किसानों को बीज सस्ते रेटों पर मिला करती थी, हमें डीजल पे सब्सिडी मिला करती थी, तो बहुत सी ऐसी परेशानियां जो है वो हल होगी। सुचारू रूप से हमें किसानों को मुफ्त बिजली दिया जाती थी और हमें सिंचाई के लिए पानी मुफ्त दिया जाता था। कहीं ना कहीं सरकार का परिवर्तन होगा तो हम लोग अन्नदाता है, हम देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत रखते हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों का भी फायदा होगा इंडिया गठबंधन के बनने के बाद। आप शायर भी बहुत अच्छे हैं, तो अपने अंदाज में क्या कहना? कई किस्ते तो दे चुके हम खून के, लेकिन ए खाके वतन ये कर्ज अदा क्यों नहीं होता। कई किस्ते तो दे चुके हम खून के, लेकिन ए खाके वतन ये कर्ज अदा क्यों नहीं होता। शीशा भी बदलेगा, जाम भी बदलेगा, शीशा भी बदलेगा, जाम भी बदलेगा, अब वो दिन दूर नहीं दोस्तों जो हिंदुस्तान का निजाम बदलेगा। हमारे साथ कांग्रेस नेत्री हैं जी। मैडम, क्या नाम है आपका? तबस्सुम खान, मैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस से हूँ। गठबंधन के प्रत्याशी जो हमारे के नाम है राव, आज रुचि विराजी यहाँ आते हैं, उनके समर्थन में मैं पूरे पूरे सहयोग से हूँ, उनके साथ समर्थन में उनके साथ खड़ी हूँ, अपनी रुचि विराजी के लिए, और मैं साथ पूरी कांग्रेस खड़ी है उनके लिए, और मैं यही। आप महिला है, महिलाओं का मतलब जो भाजपा गवर्नमेंट है महिलाओं को लेकर सबसे ज्यादा बात करती है, जो कानून व्यवस्था और जो महिला मतलब रात के समय बेफिक्रों को भोगती है, तो सबसे अच्छी सरकार तो महिलाओं की नहीं है, भाजपा ही है ना? नहीं नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा आप गलत बोल रहे हैं कि भाजपा महिलाओं का सबसे ज्यादा सुरक्षा नहीं है। जब से भाजपा आई है जब से महिला सुरक्षित नहीं है। सरकार में महिलाएं निकल नहीं सकती थी, ऐसा कहना है भाजपा के लोगों का? समाजवादी हुई या मतलब कांग्रेस हुई, उसमें महिलाएं महफूज थी, उसमें अपने आप को महफूज समझती थी। जब से ये आई, अभी आप बधाइयों का देख लीजिए, सिर्फ छह साल की बच्ची के साथ छह लोगों ने दुर्व्यवहार किया, उस पर कोई नेता नहीं बोला, कोई भाजपा नहीं बोली, क्यों नहीं बोली, उसमें सिर्फ हमारे राहुल जी गए, अखिलेश भाई बोले और कोई नहीं बोला। हम जो है महिलाएं अपनी सुरक्षा चाहती है, हम ये चाहते हैं हमें सुरक्षा मिले, तो हमारी सुरक्षा जो है या तो हमारे गठबंधन से हो सकती है, सिर्फ भाजपा से नहीं हो सकती, भाजपा से यूं नहीं हो सकती ना, क्योंकि अगर भाजपा महिलाओं को मान सम्मान देती तो महिलाओं का सारे दुर्व्यवहार कभी नहीं। जी भाई, क्या नाम है? मिराज अंसारी नाम है। मिराज भाई, देखा ये जा रहा है कि जब से डॉक्टर एसटी हसन का टिकट कटा है तो जो उनके समर्थक थे वो दूरी बनाए हुए हैं, और कांग्रेस मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, रुचि विरा के साथ घूम रही है, रुचि विरा का जनसंपर्क करा रही है, कांग्रेस के लोगों को ज्यादा देखा जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग रूठे हुए थे लेकिन सब एक प्लेटफॉर्म पे है और सब मिलजुल के पूरा गठबंधन इंशाल्लाह का रुचि विराजों को लड़ा रहा है, कहीं पे कोई भेदभाव नहीं है, कहीं पे कोई विरोध नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अभी आपने देखा मंच पर डॉक्टर एसटी हसन मौजूद नहीं थे, तो इस पे क्या मतलब क्या असर बैठना है? नहीं, वो आ नहीं पाए, लेकिन वो ऐसे काफी साथ में है, ऐसा कुछ नहीं,
ये अखिलेश जी ने कहा है सब लोग साथ में मिलजुल के चुनाव लड़ाएंगे और रुचि वीरा को इंशाल्लाह यहाँ का सांसद बनाएंगे। समाजवादी पार्टी तीन गुटों में काम कर रही है खास तौर से मुरादाबाद में, तो ये क्या बात सही है? ना ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलजुल के लड़ा रहे हैं। नहीं, डीपी यादव का अलग गुट बन गया है, कमाल अख्तर का अलग गुट बन गया है और उनका एसडीएम साहब का अलग गुट बन गया है, तो क्या मतलब ये क्या इसका सर बैठना है? नहीं, सब साथ है, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर खाना सब साथ है, सब एक साथ है, ऐसा कुछ नहीं। मैडम पार्टी जो होती है, जो गठबंधन हमारा, आप बोल रहे हैं कि तीनों पार्टी एक साथ काम कर रही है, वो एक साथ काम यूँ करेंगे क्योंकि हमारे देश को सुरक्षा चाहिए, हमारे देश को एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारे लिए हमारी सुरक्षा का कारण बन सके। देखिए आजकल की जो जनता वो बहुत परेशान है महंगाई से और है ना नोटबंदी से, सब चीज से परेशान हो चुका है, किसान भी परेशान हो चुका है, कारोबारी भी परेशान हो सकते हो चुके हैं, सब परेशान हो चुके हैं। तो हम जो एकजुट हो रहे हैं और तीन तीन मतलब आप बोल रहे हैं कि तीन तीनों के प्रत्याशी लगा, तो हम सब मुरादाबाद के अंदर भी एकजुट हैं और जहाँ पे भी देखे सब एकजुट है, सबने मन बना। एक सवाल आपसे हो रहा है, 2019 में इमरान प्रताप बेड़ी प्रत्याशी बने थे यहाँ से, जब सपा और बसपा का लाइन था तो काफी अच्छे मार्जिन से डॉक्टर एस्टेशन जीते थे जिसमें बसपा का वोट सबसे ज्यादा डॉक्टर एस्टेशन में पड़ा था। इस बार बसपा साथ में नहीं है, सिर्फ कांग्रेस साथ में है, ठीक है, तो आप उन वोटों से अंदाजा लगा लीजिए जो इमरान प्रताप बेड़ी को मिले थे, तो इन वोटों से तो जीत पक्की नहीं है। ये सिर्फ आपका और मेरा वहम है, ये देखिए आप पब्लिक को देखिए, पब्लिक का मन देखिए, आप हमारा मन मत देखिए ना नेताओं का मन देखिए, ये सिर्फ पब्लिक पे डिपेंड करती है कि पब्लिक किसको लेकर जाएगी, और ऐसा है पब्लिक ने मन बना लिया है समाजवादी का, साइकिल का, और साइकिल जाएगी पार और फूल हो जाएंगे कुचल। मैम 97,000 वोटों से जब जीते थे डॉक्टर एस्टेशन और रुचि वीरा जी 2,00,000 वोटों से जीतना दावा कर रही है, तो वो यूँ भर रही है ना, माहौल देख चुके हैं ना, वो माहौल देख चुके हैं कि पब्लिक जो है एक तरफा हो चुकी है और एक तरफा होके वो ये चाहती है कि हमें इंसाफ मिले, हमें सुरक्षा मिले और हम चुनाव है। इस बार जो वोटिंग होने जा रही है, असल मुद्दे जो है जनता के वो क्या है, किस लिए मतलब एक तरफा, आप एक तरफा वोट की बात कर रही हैं, आखिर क्या लोगों के मन में है? एक तरफ जहां 400 पार का नारा लगा रही है भाजपा और यूपी के अंदर 80 सीटें जीतने का, हर जगह मतलब भाजपा अपनी सीटें बता रही है कि यहां से फुल फ्लैग, यहां से फुल फ्लैग, तो क्या ये भाजपा के नारे जितने भी हैं ये सही साबित होंगे? देखिए मैं एक महिला हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं यूँ खड़ी हूँ क्योंकि दिन है, जब रात होता तो मैं नहीं खड़ी होती, मुझे डर लगता कि भाई पता नहीं कौन कब कहाँ किधर से मेरे ऊपर कोई वार कर दे। उसके लिए ये है कि हमें तो सुरक्षा महिलाओं को चाहिए चाहिए, अब जैसे ये मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, ये मेरे बेटे समझिए, ये भाई समझिए, इन्हें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौकरी चाहिए, कोई ना कोई इन्हें भी कोई व्यापार चाहिए, कोई ना कोई इन्हें भी कोई सुरक्षा चाहिए, ये भी ये चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार आए जिसमें इन्हें सुरक्षा मिले। इन्हीं लोगों से आप पूछ लीजिए कि भाजपा की सरकार में इन लोगों को क्या मिला? डबल इंजन की सरकार है, राशन सबको मिल रहा है, मकान सबको मिल रहा है, इलाज गवर्नमेंट की तरफ से कराया जा रहा है, तो आखिर क्या मतलब क्या नहीं मिल रहा पब्लिक को, तो सब कुछ मिला हुआ है। सुनिए मेरी बात मेरे भाई, आपने कहा डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन दोनों तरफ से लगता है, आजकल ट्रेन में इंजन दोनों तरफ से लग रहा है, ट्रेन इधर से भी भाग रही है और ट्रेन इधर से भी भाग रही है, अगर ट्रेन दोनों तरफ से भागने लगी तो हम लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारी ट्रेन साय भागेगी, सुपर फास्ट भागेगी और रफ्तार से भागेगी, और समाजवादी है या कांग्रेस है गठबंधन हुआ ये तो भागना है, लोगों का मूड बन चुका है कि भाजपा को गिराना है और ये कोई ऐसा नेता लाना है जो अच्छे से काम करे। अभी गठबंधन का कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ही मतलब सिलेक्ट नहीं हो पाया है। देखिए गठबंधन के कोई प्रत्याशी नहीं, यहाँ पे कितने बड़े बड़े प्रत्याशी है, प्रत्याशी की बात नहीं करता, प्रधानमंत्री उम्मीदवार मंत्री उम्मीदवार राहुल गांधी जी उनके साथ फिर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी उनके साथ रह रही हैं, आप कैसे कह रहे हो कि नहीं, उन्होंने अभी स्टेट पे बोला हमारे अखिलेश भाई ने तो वो हमारे साथ थे, हमने प्रोग्राम करा, तो ये तो सब गलत बात है। इसमें तो काफी सारी पार्टियां हैं, अगर आप सरकार बनने की बात करेंगे, सरकार गठबंधन की आएगी तो कौन सा चेहरा सिलेक्ट होगा? हर कोई अपने अपने आप को कहेगा कि मैं बनूंगा, तो उसका क्या हल निकलेगा उसमें? ये तो वो जाने, ये गठबंधन की बात है, ये तो वो जाने, वो तय करेंगे, वो अभी हम नहीं तय कर पाएंगे, अभी हमें कुछ नहीं करेंगे जी। बिल्कुल नसीब के खेल है, कांग्रेस नेत्री का कहना है। मैं अपने सहयोगी नदीम खान के साथ द न्यूज़ 15।